क्या होता है, ये 100 रुपए वाला ऑप्शन 110 भी चला जाता है तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लोगे। और जिस दिन भी आप रिकवर करने स्टार्ट हो गए मार्केट में ना, मार्केट आपको और नीचे ढकेलते जाएगा। तो एंड ऑफ मंथ आप हमेशा 70 से 80% गेन में रहोगे। हमारे पास छोटे रिटेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कम पैसे से उनको ज्यादा चीजें, उनको लगता है कि कम पैसे लगा के मैं यहां पे अरबपति खरबपति बन जाऊंगा, 10,000 रुपए लेके आऊंगा और मैं इसको एक साल में इसको मैं 20 लाख 30 लाख कर लूंगा, इस सोच के साथ में यहां पे आते हैं। तो पहली बात तो आपकी सोच ही यहां पे गलत है। अगर आप इस सोच के साथ में ऑप्शन में क्या स्टॉक्स मार्केट में अगर ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपको हमेशा यहां पे लॉस ही उठाना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, मैं ये नहीं बोला ऑप्शन में पैसा बनाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कब मुश्किल है, जिस तरह की आपकी सोच है कि मैं ऑप्शन लगाऊंगा और ऑप्शन को डबल में निकलूंगा, ट्रिपल में निकलूंगा, 4 टाइम निकलूंगा, तो ये ऑप्शन, ये समझ लीजिए ये बहुत ही ज्यादा डेंजर है कि आप हर समय जब भी आते हो ऑप्शन को डबल करने आते हो, ट्रिपल करने आते हो, तो वो चीजें यहां पर फॉलो नहीं होती है। मैं आपको कुछ सिंपल चीजें यहां पर बताता हूं, अगर आप वो चीजें आप फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो आपका माइंड सेट भी डेवलप हो जाएगा ट्रेडिंग का, और ट्रेडिंग से ऑप्शन से एक अच्छा पैसा भी धीरे धीरे करके बना सकते हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन की कोई स्ट्रेटजी अगर है तो उसी स्ट्रेटजी पे आप वर्क कीजिए, लेकिन साइकोलॉजी ये यूज कीजिए जो मैं आप लोग को यहां पे बताऊंगा। देखिए इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंटिन्यू, क्योंकि देखिए कोई भी आप अगर यहां पे एक बड़े लॉस ले चुके हैं ना तो आपको छोटे प्रॉफिट कभी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं मार्केट में एक चीज मैंने जीवन में सीखा है ट्रेडिंग लाइफ में कि लॉस से बेहतर है कि मैं छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाऊं। ये चीजें आप गोल्डन रूल समझ के इसको अपने दिमाग में, अपने दिल पे, अपने जो भी आपने लिखा हुआ है, कोई कोर्ट लिखा हुआ है तो उस कोर्ट में आप लिख लो कि लॉस से अच्छा है कि मैं छोटा प्रॉफिट ले लूं। मैं लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हूं, छोटा प्रॉफिट लेने के लिए तैयार हूं। यहां पे तो मैं ऑप्शन में आपको कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए आप लोग क्या ट्रेड करते हो, अभी आप लोग की थिंकिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए आप लोग के अकाउंट में यहां पर 30,000 रुपए पड़े हुए हैं, मैंने मान लिया कि आपके अकाउंट में 30,000 रुपए पड़े हुए हैं, 30,000 रुपए से आपने ऑप्शन ले लिया, मान लीजिए 100 रुपए वाला ऑप्शन है, 100 रुपए वाला कोई ऑप्शन है जिसका ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है यहां पे 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए इसका प्रीमियम चल रहा है, 100 रुपए प्रीमियम वाले ऑप्शन को आपने खरीदा तो आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगी हमारी 300 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी हमें यहां पे ऑप्शन में मिल गई। अगर ये ऑप्शन आप तो बैठे हो डबल के लिए, ट्रिपल के लिए, इससे कम के लिए बैठे नहीं, ये क्या होता है, ये 100 रुपए वाला ऑप्शन 110 भी चला जाता है तो भी आप यहां पे प्रॉफिट नहीं लोगे। मुझे पता है 99% जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं लेते हैं, और वो नहीं लेंगे आप ही, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मुझे 100 वाला ऑप्शन मुझे 200 होना चाहिए, 250 होना चाहिए। और कई दिन मार्केट ये चीजें करता भी है, लेकिन कई दिन करता है, हर दिन नहीं करता, मैं बोल रहा हूं कई दिन ये चीजें करेगा। 10 दिन अगर आप 20 ट्रेडिंग सेशन कर रहे हो तो शायद आपको 5 ट्रेडिंग सेशन ये डबल करते हुए भी दिखेगा, लेकिन बाकी आपके 15 ट्रेडिंग सेशन ये कैपिटल आपकी खत्म हो जाएगी, कैपिटल आपकी आधी आधी होती जाएगी। अगर एक बार मान लीजिए 30,000 से आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया और ये डबल नहीं होके आपका 50% इसमें से लॉस हो गया तो आपकी कैपिटल अब 15,000 हो गई। अब 15,000 पे आप यहां पे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, अब आप 30,000 से ट्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि आपने पूरी की पूरी कैपिटल आप लोग एक जगह पे ही लगाते हो, और एक ही, अगर आपके पास 30,000 है तो पक्का मुझे मालूम है कि 30 के 30,000 आप लोग खरीदोगे। जबकि हमें देखो किस तरह से करना है, अब यहां पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट तो 10 रुपए का हो रहा, 300 क्वांटिटी में आपको 3,000 का, लेकिन आप यहां पे ये नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो यहां पे आपकी साइकोलॉजी ये है कि यार 10 रुपए ही तो बड़ा है, ऑप्शन में 10 रुपए में मैं क्या लेके निकलूंगा। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, सबसे पहली चीजें तो आपको यहां पर कुछ हमें जो ट्रेडिंग के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए मेरे पास कुछ रूल्स है, मैं उसको आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं, आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो अगर आपके पास 30,000 रुपए है तो मेरे हिसाब से इस कैपिटल को आप कम से कम मिनिमम 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, मिनिमम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैपिटल अब बचेगी 7,000। देखिए ऑप्शन डेंजर है, मैंने पहले बताया, किसी दिन भी आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, काम करने का मतलब ये हो गया कि आप लॉस लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप ईगो पे अड़ गए हो कि नहीं मैं निकलूंगा ही नहीं जब तक डबल नहीं होगा आपकी कैपिटल, उसी दिन ये कैपिटल आपकी साफ हो जाएगी, खत्म, आप ट्रेडर से खत्म हो गए। अब जब भी आप पैसा डालोगे आप रिकवर करने के लिए डालोगे, और जिस दिन भी आप रिकवर करने स्टार्ट हो गए मार्केट में ना, मार्केट आपको और नीचे ढकेलते जाएगा। ये मार्केट दलदल है, रिकवर का मतलब दलदल है, आप रिकवर करने का जितना जोर लगाओगे आप उतना अंदर धंसते जाओगे। तो मैंने एक चीज ध्यान से सुनिए कि 7,000 यानी इसको 4 पार्ट में, मिनिमम 4 पार्ट में डिवाइड कर लो और 7,000 से आप एक ट्रेड लेना स्टार्ट करो।
और जिस दिन, एक बात ये मान के चलिएगा, एक ट्रेड में जो लॉस होना चाहिए ना, लॉस मिनिमम मैक्सिमम लॉस की बात कर रहा हूं, वो 8 से 10% के बीच में आपका लॉस होना चाहिए एक ट्रेड। आप इसी तरह का ट्रेड ढूंढो या इसी तरह का सेटअप आप बनाओ कि जिसमें 8 से 10% से ज्यादा का लॉस नहीं हो। अगर 8 से 10% से ज्यादा का लॉस आपको दिखता है वो ट्रेड आप मत लो, 8 से 10% से ज्यादा का लॉस ना हो। और मैं पहले एक टारगेट, एक माइंडसेट बना लो कि अगर मेरा ऑप्शन 10% से ऊपर का मूव कर जाएगा तो इस ऑप्शन में मैं लॉस नहीं लूंगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10% से ज्यादा मूव कर गया मेरा ऑप्शन तो कम से कम इस ऑप्शन में मैं लॉस नहीं लूंगा, भले मैं यहां पे 5% का प्रॉफिट लेके जाऊं लेकिन मैं लॉस नहीं लूंगा। तो ये आपको माइंडसेट इस तरह का क्लियर रखना है कि 10% के ऊपर आप ये मान, एक बात मेरी समझो कि बैंक में हम पैसा डालते हैं तो बैंक हमें इस समय 6% का रिटर्न दे रही है, कितने दिन में, 365 दिन में। म्यूचुअल फंड में हम डालते हैं तो हमें कितने परसेंट का रिटर्न मिलता है, मैक्सिमम 15 से 18% के बीच का रिटर्न हमें मिलता है, कितने दिन में, 365 दिन में। ये देखिए, ये थोड़ी सी सोच में डिफरेंस है आपके और एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसके में। हमें यहां पे एक दिन में अगर 10% मिल जाए, एक बात बोल रहा हूं कि अगर एक दिन में आपका अगर 10,000 रुपए से यहां पे 10% बन रहा है तो भाई मेरे 1,000 रुपए बन रहा है एक दिन का। अगर इस तरह से आप ट्रेड करते हो तो समझो आपकी ये कैपिटल कहां पे जाएगी। लेकिन मैं मानता हूं हर दिन प्रॉफिट होगा नहीं, लेकिन आप समझो, बहुत सारे लोग यहां पे 1:4, 1:5, 1:6 का ऑप्शन लेके चलते हैं, वो भी गलत है, वो भी आपका जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां पे क्या करना है, पहले अपनी कैपिटल को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर 4 पार्ट में आप डिवाइड नहीं करते हैं आप भूल जाओ कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, ऑप्शन में सिर्फ आप पैसा डालोगे ही। यहां पर यह थिंकिंग आपको समझ में आई कि बैंक हमें 6% देता है, म्यूचुअल फंड हमें 15 से 18% देगा। अगर ऑप्शन हमें हर दिन, अगर आप 10% के लिए तैयार हो तो ऑप्शन में बोलता हूं दिन में आपको 4 बार 10% देगा। लेकिन अगर आप लेने के लिए तैयार हो तो, नहीं लेने के लिए तैयार हो तो 50% जाते भी आपको 50% लॉस में लेके आओगे। दूसरी चीज यहां पे क्या करनी है आपको, देखिए ये शुरू के 3 महीने आपको प्रैक्टिस करनी है। आप लोग को क्या होता है ना कि जैसे ही आप लोग मार्केट में एंट्री करते हो आपके दिमाग में प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, आज बैंक निफ्टी 400 पॉइंट भाग गया, मैं तो 100 रुपए ले पाया, मैं तो 10 रुपए ले पाया, वो थिंकिंग छोड़ो। 3 महीने कंटिन्यू आप एक ही चीज को प्रैक्टिस करते रहो। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, मान लिया कि आपने पूरे महीने ऑप्शन में ट्रेड लिए 50, मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं कि आपने 50 ट्रेड लिए, जनरली मैं 2 से 3 ट्रेड ले लेता हूं, तो हमने ऑप्शन में ट्रेड कितने ले लिए, हमने 50 ट्रेड ले लिए, 50 ट्रेड ले लिए। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस 50 में से मेरे क्या हो रहे हैं, 20 ट्रेड लॉस में है, मेरे लॉस के ट्रेड यहां पे 20 में है, 30 ट्रेड मेरे जो है वो प्रॉफिट के हैं, ठीक है। अब इसमें से मान लिया मैंने कि मैंने इसमें लॉस लिया है 8 से 10% के बीच का, 8 से 10% के बीच का मैंने यहां पर लॉस लेने के लिए बोला, प्रॉफिट हमने 10 से 15% के बीच में का, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा 20 लॉस और 20 प्रॉफिट, हमारा ये हो गया 0, ब्रोकरेज के साथ में हमारा ये हो गया 0-0, यानी हमने जो 20 लॉस किए, हमने जो 30 प्रॉफिट किए, 30 प्रॉफिट में से मैंने 20 प्रॉफिट यहां पे दे दिए इसको लॉस वाले को, तो ये हमारा लॉस और प्रॉफिट हो गया 0-0। यहां पे हमने 10% 15% लिया तो कभी 11% मिला, कभी 5% मिला होगा, ये हमारा 0 हो गया। बचा हमारे पास 10 ट्रेड, उस 10 ट्रेड में मैं ये मान के चलता हूं कि हमने 8% का ही रिटर्न बनाया है, 10% का हमने, 10 बचे हुए 10 ट्रेड में हमने 8% का रिटर्न बनाया। आप मान लो अभी आप छोटी क्वांटिटी से प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जिस दिन आप ये प्रैक्टिस आपकी खत्म होगी और आपके पास 1,00,000 रुपए से आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे और इसी थ्योरी से आप स्टार्ट करोगे तो एंड ऑफ मंथ ये 8% का प्रॉफिट एक ट्रेड में है तो 10 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 80% का। तो एंड ऑफ मंथ आप हमेशा 70 से 80% गेन में रहोगे, ये मेरी बात आप समझ लो और सुन लो। अगर आपने इस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो आप हमेशा ऑप्शन से पैसा बनाना स्टार्ट करोगे। लेकिन आपके पास कोई एक सेटअप हो और उसी सेटअप में आपको हर दिन काम करना है, आप ये डबल ट्रिपल चक्कर भूल जाओ बिल्कुल, यहां से पैसा आप लेके जा ही नहीं पाओगे। आपका डबल महीने में 2 दिन 3 दिन, ये जो मैं 10% बोल रहा हूं ना, जो ये 30% हमारा प्रॉफिट वाला ट्रेड है, 30%, ये जो 50 में से 30 ट्रेड हमारा प्रॉफिट है ना, मैं इसके भी आपको 100% श्योरिटी देता हूं, इसमें कम से कम 5 से 7 ट्रेड आपके ऐसे होंगे ना जो डबल होंगे,
5 से 7 ट्रेड ऐसे होंगे जो आपकी कैपिटल को डबल करेगा और आपको निकलने नहीं देगा, और इसी में से 4 से 5 ट्रेड आपके ऐसे होंगे जो कम से कम 50% जाएंगे वन वे। हम जो 10% निकलने के लिए बैठे थे ना, वो वन वे आपको 50% तक लेके जाएगा। तो अगर आप इस थ्योरी पे काम करते हो कि मुझे 10% पे एक बार आप बिल्कुल तैयार बैठे रहो कि 10% से ऊपर स्टॉक जाता है तो फ्लो में जहां तक जाता है उसको जाने दो, लेकिन अगर एक बार 10% दिख जाए तो आप कोशिश करो कि मैं इसमें प्रॉफिट लेके जाऊंगा और मैं इसमें लॉस नहीं लूंगा। देखिए आप, मैं बार बार यही बताता हूं, यही समझाता हूं कि लॉस से अच्छा है कि हम यहां पे छोटा प्रॉफिट लें। एक बार आप छोटा प्रॉफिट लेना स्टार्ट तो करो, कंटिन्यू 3 महीने आप लेके तो देखो, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना किसका इंपैक्ट क्या हो रहा है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल 360 डिग्री रोटेट हो जाएगी। मैंने यही सब चीजें मैं फॉलो करता हूं, छोटी छोटी चीजें फॉलो करता हूं, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहता हूं कि मैं लॉस 8 से 10% से ज्यादा नहीं लूंगा किसी भी सिचुएशन में। आप लोग जो वेट करने लगते हो कि नहीं थोड़ा सा अब जाएगा, ये ऑप्शन है, यहां पे टाइम वैल्यू टाइम डीके यहां पे हो जाता है, तो टाइम भी हमारे अगेंस्ट यहां पे चलता है। तो आपको ये भी चीजें समझनी पड़ेंगी कि अगर आप बैठे रहते हो तो आप ये समझ लेना कि आपकी कैपिटल कई बार जीरो हो जाएगी, और सबसे पहले मुझे ये है कि मुझे अपनी कैपिटल को बचाना है। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखो, ये 8 से 10% वाली थ्योरी पे प्रैक्टिस करके देखो, अगर आपकी ऑप्शन की लाइफ स्टाइल चेंज ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये तो मैं 8 से 10 ट्रेड बता रहा हूं ना, इसकी आपकी जो सक्सेस रेट है वो काफी अच्छा आपका निकल के आ जाएगा जब आप 10 से 12% के लिए किसी भी ट्रेड में आपके लेके देखना, और देखना आपका वो ऑप्शन का ट्रेड 10% के ऊपर जाता है या नहीं जाता, बहुत आराम से जाता है, लेकिन हम लेते नहीं है। जब आप लेना स्टार्ट करोगे ना तो आपको अच्छा लगना स्टार्ट होगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।